हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो फ्रेंड, आज हमारे पास ईयरबड है जो कि मार्केट में इजीली 650-700 रुपए के आसपास मिलता होगा, लेकिन इस ईयरबड में प्रॉब्लम हो गई कि ये जो चार्जिंग बोर्ड काम नहीं कर रही, चार्ज भी नहीं हो रहा और यहाँ पे चार्जिंग भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो आज इस वीडियो में इसको रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा फ्रेंड। तो अगर पूरा वीडियो अगर देखना है तो इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी जाके भी इस वीडियो को समझ पाइएगा। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और इस वीडियो को अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर लिया और चार्जिंग को लगाया और एक चिमटा लेंगे जिससे यहाँ पे एक चार्जिंग पिन में और एक ब्लैक वाली वायर में शॉर्ट करके देखेंगे फ्रेंड। उसके बाद देखिए हमारा जो ट्रिक काम करेगा। अभी तो नहीं काम किया, थोड़ा सा और कुछ चीज़ को यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैटरी को मैंने खोल लिया फिर से और अच्छी तरीके से बैटरी को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे जहाँ पे लगी हुई है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर ऐसा होता है, नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें फ्रेंड, बैटरी अगर आपका ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया होगा तो बैटरी को भी चार्ज कर लीजिएगा अलग अदर चार्जर से या अदर किसी पार्ट से, तो बैटरी 3 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव से इसको नेगेटिव में शॉर्ट कीजिएगा और थोड़ा सा भी चार्ज लेने लगेगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, ये आपका जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इजीली यहाँ पे शॉर्ट किया है और हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन यहाँ पर बैटरी डाउन नहीं था मेरा फ्रेंड, लेकिन हो सकता है कि आपका बैटरी डाउन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कर सकते हैं, मैंने जो ट्रिक है वो बता दिया। तो देखिए यहाँ पर फिर से शॉर्ट करते हैं, एक बार तो आया था फ्रेंड लेकिन सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ग्राउंड से ग्राउंड नेगेटिव शॉर्ट किया हूँ। तो चलिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मैं आपको दिखाते हैं इसमें लगा के। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अभी तो आपको कंफर्म तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाते आगे कि कैसे ये काम कर रहा है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही ये किया, मुझे भी लगा था कि सब नहीं बनेगा, लेकिन इस एयरबैड में ऐसा हुआ है इसलिए मैंने किया हूँ। हो सकता है कि आपका भी ऐसा करने से ठीक हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि आपका ठीक हो ही जाएगा, कुछ अदर और भी प्रॉब्लम होगा तो ठीक नहीं हो सकता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, हो सकता है कि आपका ठीक हो जाए, क्योंकि लोकल मार्केट का कुछ ना कुछ फॉल्ट और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। अब देखिए, हमारा फ्रेंड चार्ज होने लगा है, उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग भी देगा और सारा चीज़ काम करेगा। देखिए, चार्जिंग भी दे रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। अब ये देखिए, हमारा ये बंद हो जाएगा, अभी चल रहा है लेकिन बंद हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो चलिए, इसको असेंबल कर लेते हैं पूरा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे, रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले और ऐसे रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो। और फ्रेंड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और मेकिंग से रिलेटेड वीडियो देखना है तो सर्किट इफेक्ट प्रोजेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। अगले नया वीडियो और इसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।